प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में भरेंगे चुनावी हुंकार। तो वहीं अमित शाह और राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में करेंगे रैली। जेपी नड्डा सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे घोषणा पत्र। 24 की चुनौती में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती नागपुर में ठोकेंगी ताल, जबकि राहुल गांधी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर में करेंगे कांग्रेस का प्रचार। समाजवादी पार्टी और आरजेडी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चलेगा आपराधिक मुकदमा, 15 अप्रैल से शुरू होगी सुनवाई। देशभर में बिखरी ईद की मिठास, मस्जिदों में अदा की जा रही है विशेष नमाज, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगी भिड़ंत। वहीं कल खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 3 विकेट से दी शिकस्त। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। इस वक्त की अहम खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। यहां पुलवामा जिले के मुरान इलाके के फ्रांसीपोरा में आतंकवादियों के साथ पुलिस और सेना के बीच मुठभेड़ चल रही है। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी की गई है और इस वक्त वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सलमान काजी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। सलमान, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है। देखिए, ये फ्रांसीपोरा इलाका है, वहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है और बताया जा रहा है कि वहाँ पे कुछ फायरिंग भी हुई है और जो खबरें मिल रही हैं हमें वहाँ से उसके मुताबिक वहाँ पे 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक और कोई अपडेट इसमें नहीं आया है कि क्या वहाँ पे अभी तक कोई मिलिटेंट मारा गया है या कुछ और हुआ है, लेकिन जो ये है हमारे पास जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वहाँ से वो है कि 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं बताया जा रहा है और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज और उनके बीच में इनकाउंटर चल रहा है। सलमान, ये जो पूरा इलाका है मुरान इलाका पुलवामा का, इसके बारे में थोड़ी जानकारी, कहाँ छिपे हो सकते हैं, क्या किसी इमारत में है? ये वहाँ पे फ्रांसीपोरा गांव है, वहाँ पे ही है मुरान इलाका। ये पुलवामा जिला जो कि साउथ कश्मीर में आता है वहाँ पे सिचुएटेड है और एक टिपिकल गांव है जहाँ पे ये एक गांव है जहाँ पे खेत हैं और घर है, तो एक घर में छुपे हुए हैं और वहीं पे इसके जो इलाके का है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको कॉर्डन किया हुआ है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जानकारी मिल रही है सलमान की पूरा घेराबंदी की गई है। जिस तरह से आपने कहा कि एक गांव है तो वहाँ पर सिविलियंस भी होंगे, घर है, किस तरह से उसको लेकर कुछ खबर मिल रही है? देखिए, ये जो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एनकाउंटर्स हैं, यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेज की, तो इसमें 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 पूरी जो व्यवस्था की जाती है वहाँ पे जो लोकल पुलिस को लाया जाता है, सीआरपीएफ को लाया जाता है, एक मल्टीपल लेयर्ड कॉर्डन किए जाते हैं ताकि सिविलियंस को एक्सक्लूड किया जाए। प्रॉपर वहाँ पे जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनके थ्रू और जो आर्मी की वहाँ पे खबरदार किया जाता है सिविलियंस को कि वो मूवमेंट न करें और अगर जो आसपास के घर है वहाँ से उनको निकलने दिया जाता है ताकि कोई भी ऐसा कोलैटरल डैमेज या सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। तो इसका बहुत बहुत ख्याल रखा जाता है यूजुअली सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की तरफ से। तो यूजुअली जो एनकाउंटर्स में हैं वहाँ पे सिविलियन जो नुकसान है वो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। सलमान, अभी आपने जिस तरह से बताया कि 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है और वो एक घर में छिपे हुए हैं, उनकी संख्या क्या बढ़ सकती है, क्या आसपास और भी आतंकवादियों के होने के इस वक्त किसी तरह की कोई खबर मिल रही है? यूजुअली ऐसे जो यहाँ पे आजकल जो काफी सक्सेसफुल एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन रहे हैं पिछले साल से, तो काफी तादाद कम हो गई है। तो यूजुअली ये हाइड आउट्स होते हैं जहाँ पे वो छुपे होते हैं, तो ऐसा ही होगा, या 2 या 3 या 1 बंदा होगा वहाँ पे और से ज्यादा आसपास के इलाके में
अगर होगा भी तो वो क्योंकि इतनी ज्यादा वहां पे तैनाती होती है सिक्योरिटी फोर्सेज की, वो ट्राई नहीं करते हैं कि उसको एनकाउंटर को तोड़ने की। तो यही दो हैं वहां पे जिनके बारे में सिक्योरिटी फोर्सेज को इत्तला मिली है। और जहां तक पास्ट की जो जैसे देखा गया है कैसे ये अनफोल्ड हो जाते हैं एनकाउंटर, तो और इनकी संख्या बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल सलमान, यहाँ पर बिल्कुल हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ पर फिलहाल खबर मिल रही है कि पुलवामा में सुरक्षा बलों की और आतंकियों के बीच मुठभेड़ यहाँ पर चल रही है। घर में छिपे होने की बात अभी सामने आई है कि घर में छिपे हैं फिलहाल जो सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और तमाम एहतियात बरती जा रही है। देखते हैं क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है इस पूरी खबर का, हम लगातार इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान काजी हमसे जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर बुलेटिन में आप बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम आज उत्तराखंड और राजस्थान में जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां ऋषिकेश के IDPL स्थित हॉकी मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके माध्यम से पीएम गढ़वाल, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार संसदीय सीटों को साधेंगे। इसके बाद पीएम राजस्थान पहुंचेंगे। पीएम यहां करौली में जनसभा कर जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने इंदु जाटव को मैदान में उतारा है। रैली के जरिए पीएम मोदी करौली धौलपुर के साथ ही टोंक समाई माधोपुर और दौसा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के मंडला और खजुराहो में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ में उनकी जनसभा होगी। बात मध्य प्रदेश की करें तो महाकौशल क्षेत्र में पड़ने वाले मंडला लोकसभा सीट कई मायनों में खास है। यहां से पार्टी ने फिर एक बार मौजूदा सांसद फगन सिंह कुलस्ते पर दाव लगाया है। कुलस्ते 1996 से 2004 तक लगातार चुनाव जीते, लेकिन 2009 में कांग्रेस ने वापस कब्जा जमाया। 2014 में कुलस्ते ने फिर बाजी मारी और 2019 का चुनाव भी उन्होंने बीजेपी के नाम किया। कांग्रेस ने इस बार मंडला से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं खजुराहो लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा प्रत्याशी हैं। एक तरह से यहां उनके लिए वॉकओवर जैसी स्थिति है, क्योंकि महागठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा दीपक यादव का नामांकन रद्द हो चुका है। मध्य प्रदेश के बाद अमित शाह आज महाराष्ट्र में अपनी पहली चुनावी रैली मराठवाड़ा के नांदेड़ में करेंगे। नांदेड़ में 26 अप्रैल को मतदान होगा। बीजेपी के मौजूदा सांसद प्रताप राव चिखलीकर का यहां कांग्रेस के पूर्व विधायक वसंत राव यशवंत से मुकाबला है। और भाजपा के स्टार प्रचारक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां वो सतना में चुनावी जनसभा करेंगे। सतना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने मौजूदा सांसद गणेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी जोरों पर हैं। बीजेपी आज सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां हर वर्ग के लिए अहम वादे करेगी। इससे पहले विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने रविवार को अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। सिक्किम में विधानसभा की 32 सीटें हैं, जिनमें से 12 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। यहां विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को समाप्त हो रहा है। विधानसभा और लोकसभा सीट के लिए यहां मतदान 19 अप्रैल को होगा।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ माने जाने वाले नागपुर को चुना है। मायावती नागपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगी। बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने अभी तक यूपी में चुनाव प्रचार अभियान की कमान अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सौंप रखी थी, जो अब तक 3 रैलियां कर चुके हैं। चुनाव के पहले चरण के मतदान में महज 7 दिन बाकी होने के बावजूद मायावती के खुद प्रचार शुरू नहीं करने को लेकर तमाम अटकलें लग रही थीं, लेकिन उन्होंने प्रचार अभियान के आगाज का फैसला कर इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। बात करें राहुल गांधी की, तो लोकसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन के दलों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान में 2 सार्वजनिक जनसभाएं करेंगे। राहुल गांधी की पहली जनसभा बीकानेर के अनूपगढ़ में होगी। बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल हैं। वहीं राहुल गांधी की दूसरी जनसभा जोधपुर के फलौदी में है। कांग्रेस ने जोधपुर लोकसभा सीट से करण सिंह उचियारड़ा को मैदान में उतारा है। उचियारड़ा के सामने भाजपा से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मौजूदा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में हैं। बीकानेर में पहले ही चरण यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होगा, तो वहीं जोधपुर में 26 अप्रैल को मतदान होना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर झूठ के सहारे काम करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र के लिए भाजपा से बुरा विकल्प और कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेकर के काम कर रही है। इनकी हर बात झूठी है, झूठे वादे जनता से किए हैं। इससे ज्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सुझाव मांगे थे और इन्हीं सुझाव के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। घोषणा पत्र में मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में सपा ने सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पद तत्काल भरने का वादा किया है। सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित होगा। घोषणा पत्र में पुलिस समेत सभी सरकारी विभागों की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का वादा भी किया गया है। सत्ता में आने पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति महीने तक की मासिक पेंशन मिलेगी। सत्ता में आने वाले पर साल 2025 तक जातीय जनगणना कराई जाएगी। और बीजेपी के पूर्व विधायक और सीनियर एडवोकेट अरुण चंद्र भौमिक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। अगरतला में आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान भौमिक का त्रिपुरा के AICCC प्रभारी गिरीश चोदनकर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कहा जा रहा है कि भौमिक को पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद से वो पार्टी गतिविधियों से अलग हो गए थे। त्रिपुरा में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पश्चिमी त्रिपुरा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि पूर्वी त्रिपुरा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए से हम पार्टी के गया से प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने कहा है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 के आंकड़े को पार करेगी। संवाददाता कुमार आलोक ने उनसे की खास बातचीत। हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी, और अभी ये गया से प्रत्याशी है, हम के एनडीए के प्रत्याशी है। सर, एक मुख्यमंत्री होने के बाद सांसद के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कैसा आप क्षेत्र में जब घूम रहे हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? गया के लोगों की प्रतिक्रिया यही है कि 9 महीना बिहार के मुख्यमंत्री रह करके जिस प्रकार से काम हम लोगों ने शुरू किया था,
वो न सिर्फ बिहार में बल्कि हिंदुस्तान में चर्चित हुआ था। आज भी लोग यही कहते हैं कि 8 बार का विधानसभा में जीत करके जाना, उपमंत्री, राजमंत्री, मंत्री और मुख्यमंत्री रह करके बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त करना, और ये सौभाग्य होगा इस कंस्टिट्यूएंसी का कि जीतन मांझी ऐसे उम्मीदवार जीत के जाएंगे तो भारत में उनको बहुत काफी अहमियत मिलेगी, इस आशा से यहाँ के लोग तो कोई भार ही नहीं आने देते हैं। लोग कहते हैं आप तो जो काम करना है कीजिए, हम लोगों ने ठान लिया है कि आपको यहाँ से सांसद बना के भेजेंगे, 400 पार कर देना है और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। यहाँ के जन जन के लोगों में, यहाँ तक कि राज्य में दूसरे विचार के रखने वाले लोग हैं, वो भी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनते देखना चाहते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अठारहवीं लोकसभा के चुनावों की तैयारी पूरे देश भर में जोरों पर है। 18वीं लोकसभा के लिए देश में 7 चरणों में मतदान होना है। अगर लोकसभा चुनावों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो देश में दूसरा लोकसभा चुनाव 1957 में हुआ था। दूसरा लोकसभा चुनाव करीब 3.5 महीने तक चला था। यह चुनाव 24 फरवरी से 9 जून 1957 के बीच संपन्न हुआ था। वहीं इस चुनाव में 494 सीटों के लिए मतदान हुआ था। इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 19 करोड़ 36 लाख से अधिक थी। हालांकि इस चुनाव में केवल 45% से अधिक मतदान हुआ था। दिलचस्प यह रहा कि 42 सीट और 19.3% वोट स्वतंत्र उम्मीदवारों यानी निर्दलियों को मिले थे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। चौबीस की चुनौती में इतना ही। आज ईद है और इसकी मिठास देश के हर कोने में फैल गई है। भाईचारे और एकता की मिसाल पेश करने वाले इस त्यौहार को देश भर के मुसलमान भाई बहन पूरे उत्साह और खुशी के साथ मना रहे हैं। ईद के मौके पर आज मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जा रही है। दिल्ली के जामा मस्जिद में भी नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयाँ दे रहे हैं। आज के दिन कई तरह की सेवैयाँ, खीर और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। हमारे पर्व, हमारे त्योहार हमारी संस्कृति की खूबसूरती हुआ करते हैं, क्योंकि विभिन्नता में एकता ही भारत की पहचान है। ईद का पर्व पूरे भारत में धार्मिक हर्षोल्लास, खुशी और जोश के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल फितर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मनाया जाता है। ये अल्लाह के हुक्म से त्यौहार मुकर्रर हुआ है। रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े पूरे होने के बाद चाँद निकलता है, वो ईद का चाँद होता है। ईद उल फितर यानि फितरे वाली ईद या इफ्तार वाली ईद, तो ये मीठी ईद कही जाती है। और ये इसका असल मकसद यह है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसीलिए मुसलमान मस्जिदों में, ईदगाहों में सबसे पहले जाकर ईद की नमाज पढ़ते हैं। इस्लामी संस्कृति ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे त्योहारों के माध्यम से खुशी और एकता का संदेश देती है। ईद उल फितर का पर्व त्याग और समर्पण को दर्शाता है। ईद के माने खुशी के होते हैं। ये त्योहार सभी के साथ हंसी खुशी मनाया जाता है। ये पर्व विश्व में समानता, शांति, एकता और सद्भाव की मिसाल कायम करने का संदेश देता है। सारे मुसलमान भाई मिठाई यहीं से खरीदते हैं। ईद का त्यौहार है और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मार्केट लगा हुआ है, बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत भीड़ भी है, तो हम बस ईद की शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पे। इस त्यौहार की खुशी में अमीर गरीब की कोई खाई नहीं होती। सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और अच्छे पकवान खाते हैं। बाजारों में भी खूब रौनक हुआ करती है और लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ भी नजर आते हैं। पिछले 3 साल जिस तरह से कोरोना रहा, उसके बाद से देखिए इस साल बहुत ही ज्यादा रौनक है।
रात के 4-4 बजे तक लोग ऐसे टहलते हैं जैसे दिन के अंदर 3-3, 4-4 बजे तक घूमते हैं। और सब चीज़ की माशाल्लाह अच्छी सेल भी अगल भी काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत मेहमानदारी होती है, दोस्त वगैरह सब आते हैं। एक ही दिन होता है मेहमानों के लिए आना, हम भी दूसरों घर जाते हैं, लोग हमारे घर आते हैं, तो उसमें सब यही एहतमाम होता है ईद के दिन। क्या छोटा क्या बड़ा, क्या अमीर क्या गरीब, सभी मिलजुल कर ईद की खुशियों में शामिल होते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। सभी मुसलमान चाहे वो अमीर हो या गरीब, सभी इस दिन एक साथ नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हैं। तो इसका समाजी पहलू भी है, मजहबी पहलू भी है। इंसानियत के नाम से ईद उल फितर का पैगाम बहुत अहम है। हम खुद भी खुश हों और अल्लाह के बंदों को भी खुश करें। तो इसमें फितरा रखा गया है जी। ताकि नमाज से पहले पहले फितरा दें, और फितरा दिया जाता है गरीबों को, यानी गरीबों को आप शरीक करें। दिवाली है, गुरपुर्ब है, क्रिसमस है, ईद उल फितर है, ये बड़े बड़े त्यौहार हैं, ये पूरा देश मनाता है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को ईद मुबारक कहूँगा और अपनी शुभकामनाएं पेश करूँगा। फितर का मतलब उपहार भी है। इस्लाम में फितरा देना ईद का सबसे अहम पहलू है। ईद की नमाज से पहले हर संपन्न मुसलमान को फितरा देना जरूरी होता है। ईद का त्यौहार हमें समाज से जोड़ता है, ईद का त्यौहार हमें इंसानियत से जोड़ता है, इंसानियत का पैगाम आम करता है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे इतनी बड़ी मार्केट है और इसी मार्केट में लोग ईद की शॉपिंग में पूरी तरह से मसरूफ हैं। इस खुशी के मौके पर देश की एकता और देशवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। इस दिन एक आदर्श समाज की कल्पना की जाती है। तैयारियां बहुत अच्छी हैं, लोग अच्छे से शॉपिंग कर रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का, औरतें बच्चे बहुत अच्छे से शॉपिंग कर रहे हैं, बाकी सब कुछ अच्छा है। मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि ईद के दिन लोग सारे गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे से गले मिलने का काम करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें प्यार को आम किया जाता है, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, मानवता के पैगाम को भी आम किया जाता है, क्योंकि ईद एक ऐसा ही त्यौहार है। और आप सभी को भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर हम बात करें नवरात्रि की, तो चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक माँ चंद्रघंटा परम शांतिदायक और कल्याणकारी मानी जाती है। मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होने के कारण माँ के इस स्वरूप का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। और टेस्ला कंपनी और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मैं उत्सुक हूं। हालांकि मुलाकात कब और कहाँ होगी इसे लेकर मस्क ने कोई जानकारी नहीं दी है। तो एलन मस्क ने ट्विटर यानी कि एक्स के जरिए यहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का, और वो बेहद उत्सुक हैं और उनकी मिलने की प्रतीक्षा में है। बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होगी। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों का अब तक का सफर अच्छा नहीं रहा है। आरसीबी की बात करें तो इस टीम ने अब तक 5 मैच खेले हैं जिसमें से उसे एक में जीत मिली है। वहीं मुंबई इंडियंस 4 मैचों में एक जीत अपने नाम करने में सफल रही है। आज होने वाले मुकाबले में दोनों टीमों की नजर अपनी दूसरी जीत पर होगी। वहीं आईपीएल में कल खेले गए रोमांचक मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 3 विकेट से हरा दिया। इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 196 रन बनाए। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 199 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। राशिद खान ने आखिरी 2 ओवरों में मैच का पासा गुजरात के हक में पलट दिया। उन्होंने आखिरी बॉल पर चौका जड़कर टीम को जीत दिला दी। इस दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया है। तो काफी रोमांचक हो रहे हैं आईपीएल के मैचेस। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।